आने वाले हर युग में होगी। मैं कुछ समझी नहीं काना। हमारी पौराणिक कथाओं में जितने भी किंतु परंतु हैं, उन सब के उत्तर केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही हमें दे सकता है। कान्हा, तब तो मेरे मन में बहुत सारे किंतु परंतु और प्रश्न हैं। तो विलंब कैसा राधे, जो जानना चाहती हो जान लो। तो ठीक है कान्हा, मेरा सबसे पहला प्रश्न प्रथम पूजनीय श्री गणेश के विषय में। कान्हा, देवी पार्वती को ऐसी क्या आवश्यकता थी जिसके कारण उनके पिता हिमालय राज ने उनकी दो सखियों जया और विजया को उनकी कुशलता जानने के लिए कैलाश भेजा। उस दिन द्वार प्रमुख नंदीश्वर को द्वार पर खड़ा कर तीनों सखियां कैलाश के गुप्त जाह्नवी सरोवर में स्नान कर रही थी। जया, विजया, तुम दोनों के आने के कारण हमारा अकेलापन निराशा प्रसन्नता में बदल गई है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। जया, वहां क्या देख रही हो? यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम दोनों निश्चिंत होके स्नान का आनंद उठाओ। हमने पहरे के लिए नंदी को खड़ा किया है, आज्ञा पालन करने में वो श्रेष्ठ है। तुम दोनों निश्चिंत होकर स्नान का आनंद उठाओ। परंतु महादेव इस बात से अनजान स्वयं देवी पार्वती से मिलने उनकी कंदरा पहुंचे। क्षमा करें स्वामी, किंतु इस समय भीतर जाने की आज्ञा नहीं। स्वामी, मैं महादेवी की आज्ञा के वश में हूं और उन्होंने आज्ञा दी है कि इस समय कोई भी भीतर प्रवेश न करे। Ha ha ha!
हम अपने सखियों के साथ स्नान कर रहे हैं। हमने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी नंदी? तुमने महादेव को रोका क्यों नहीं? क्षमा कर दे महादेवी, मैंने महादेव को रोका था परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तुम किसी योग्य नहीं हो, आज के बाद मेरे द्वार के आसपास कभी मत दिखना। महादेवी जाओ नंदी। दोष नंदी का नहीं है पार्वती। यहाँ सबके सब शिवगण हैं, शिवाज्ञा मानना उनका धर्म है। जो सिर्फ तुम्हारी आज्ञा माने। हमें अपना अंश बनाना होगा जो केवल हमारी आज्ञा माने। यहाँ सबके सब शिवगण हैं, शिवाज्ञा मानना उनका धर्म है। रोष नहीं, विचार करो पार्वती। माता, माता,
आपने ही तो मुझे अपने तन की आभा से जीवन दिया है। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। तुम गणों में श्रेष्ठ गणपति हो। कहो पुत्र, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? मुझे जन्म देकर आपने तो प्रिय कर दिया है माता, क्योंकि माता का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सेवा? तुम मेरी सेवा करोगे? हाँ, माता की सेवा करना तो पुत्र का धर्म होता है माता। आओ मेरे साथ। तुम यहाँ इस द्वार पर मेरे प्रहरी बन के खड़े रहना, किसी को भीतर मत आने देना। मेरे रहते कौन भीतर आ पाएगा माता? रन करके तुम गणों में श्रेष्ठ गणपति और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उसे दंडित करना, और जो मान ले उस पर कृपा बरसाने में संकोच ना करना। जो आज्ञा। जय माता की। ये क्या माता, जन के साथ ही काम पर लगा दिया, कुछ पेट पूजा का प्रबंध भी तो करवाती जाइए। तुझे क्या लगता है गणपति, तेरी मैया भूल गई? उधर देख। पुत्र, इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ, किंतु द्वार पर डटे रहना तब तक जब तक नंदीश्वर, आज्ञा स्वामी। हमारे कारण महादेवी उदास और निराश है, हमें उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। एकाएक उनकी सखियां भी लौट गईं। तुमने ना उन्हें रोकने का प्रयास किया
और ना हमें ध्यान दिलवाया। क्षमा करें स्वामी, आपको ध्यान दिलवाने पर आपके नेत्र हमें भस्म करने का भय दिखाते हैं। तुम्हारे भीतर है, हमें अपने आचरण पर खेद है नंदी। ऐसा ना कहे स्वामी, मैं तो आपका दास हूं। आप केवल माता को प्रसन्न करें। प्रहरी द्वार पे खड़ा है, तो उसे आगे लीजिए। प्रहरी? हाँ प्रहरी, परंतु अब आप आज्ञा लेने पर भी भीतर नहीं जा सकते। लौट जाइए यहाँ से। तुम कौन हो हमें रोकने वाले? अपनी माता का पुत्र। माता का पुत्र? परंतु न पहले कभी देखा न सुना। हट जाओ यहाँ से। लो, माता ने कहा था पुत्र डट जाओ, और आप कह रहे हैं हट जाओ। मुझे हटना ही होता तो मैं डटता क्यों? आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती? तुम जानते हो हम कौन हैं? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदि देव हो, परम देव हो, अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। हट ही बालक, हट ना कर। हट ना करूं? और आपकी बात मानकर अपनी माता की आज्ञा भंग करवा दूं? कौन है तुम्हारी माता? मेरा पुत्र गौरी नंदन। गणपति, मेरा पुत्र। जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता। लौट जाइए यहाँ से, मैं भी आपको नहीं जानता। तुम्हारी बातें हमारे मन को आनंद पहुंचा रही है बालक। मैं बालक तो अवश्य हूँ, किंतु अपनी माता की आज्ञा का कट्टर पालक भी हूँ। प्रशंसा सुनकर मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। व्यर्थ का विवाद ना बढ़ाओ, हम एक मार्ग निकालते हैं। जाओ भीतर जाकर अपनी माता से पूछ खड़ा, हम यही तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। संसार आपको महादेव कहता है, तब तो आप परम ज्ञानी, परम ज्ञानी, परम योगी होंगे। किंतु निरामुष तो मैं भी नहीं हूँ। इधर मैं माता की आज्ञा लेने जाऊँ और उधर आप कंदरा में प्रवेश करके मेरी माता की आज्ञा भंग कर दें। आपकी चतुराई धन्य है महादेव। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा। अन्यथा? अन्यथा क्या, युद्ध करेंगे तो आ जाइए रण क्षेत्र में। छोटा होके बड़ी बड़ी बातें करता है। इसलिए कि आप भी बड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं।
हमारे विचार अब तुम्हें हमारे गण बताएंगे। आपके विचार धन्य है महादेव। सुना माता, गणपति को गण सद्बुद्धि देने आ रहे हैं और एक आए थे महादेव सांप और भभूत लपेट के। जय माता की। माता की कंदरा में प्रवेश करने की भूल की तो मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा। बालक उदंड है। नहीं, मेरे हाथों में दंड है और माता के मोदक भी। मेरी बात मानोगे तो मोदक मिलेंगे, नहीं मानोगे तो मिलेगा दंड। बातें तू तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। प्रहार उससे भी भयंकर करता हूँ, देखना है। प्रहार का आदेश दीजिए महाराज। ये स्वादिष्ट मोदक देख रहे हैं, इतना भारी भरकम शरीर ऐसे ही तो नहीं पालते होंगे। दीजिए, खाइए, खाइए ना। माता के दिए हुए सबसे स्वादिष्ट मोदक हैं। लो, दीजिए, खाइए, खाइए ना। आओ, खाओ, खाओ। लीजिए ना, लीजिए, लीजिए, लीजिए। लीजिए, 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 लीजिए। अहो महाराज, वहाँ से गिदड़ भपकी क्या दे रहे हैं? यहाँ आइए, मेरे समीप आइए। देवराज, आप कष्ट न करें,
सुदंड बालक को हम सबक सिखाते हैं। गौरी पुत्र गणेश को जब समस्त शिवगण दंडित करने में असमर्थ रहे, तब स्वयं पांच तत्व प्रकट हुए। सुदंड बालक का ये दुस्साहस कि वह आदरणीय शिवगण और पूजनीय देवताओं पर प्रहार करे। महादेव, वो एक अबोध बालक है, मैं स्वयं जाकर उसे समझाऊंगा। आप कृपा करके शांत हो जाइए। उसे समझाना नहीं, द्वार से हटाना है ब्रह्मदेव। कोई सास नहीं करेगा बालक। महादेव संपूर्ण जगत के पूजनीय है, तुम उनसे युद्ध का त्याग कर क्षमा याचना करो और द्वार से हट जाओ। और जो ना हटूं तो तुम्हें अवश्य भीषण दंड भोगना होगा। आपसे अथवा महादेव से? प्रयास ना करो बालक, तुम्हारा भविष्य संकट में है। भविष्य को भविष्य में देख लेंगे, पहले आप अपना वर्तमान देखिए। इसने जीवित रहने का अधिकार खो दिया है। इसे अपनी करनी का दंड भोगना ही होगा।
महादेव भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्हें श्रीमद् भागवत की सभी कथाओं का ज्ञान था। इस कारणवश गणेश का मस्तक धड़ से अलग करने के उपरांत उनकी आंख भर आई। पुत्र, क्या हुआ राधे? काना, तुम्हारी पहली जिज्ञासा का समाधान हो गया राधे? हाँ काना। देवी पार्वती का अकेलापन कैलाश में शिवगणों के शिवजी के प्रति निष्ठा ने देवी पार्वती को अपने पुत्र की रचना के लिए प्रेरित किया। परंतु खाना, भगवान शिव को गौरी नंदन पर त्रिशूल उठाते समय ये क्यों नहीं पता था कि वो उनका अपना पुत्र है? पता होता तो भी वह प्रहार अवश्य करते, क्योंकि महादेव एक श्राप की मर्यादा का पालन कर रहे थे। श्राप? काना, देवाधिदेव महादेव को श्राप? हाँ राधे। मुझे पूरी घटना बताओ। तो सुनो, ये तब की बात है जब गौरी शंकर से वरदान प्राप्त दैत्यराज सुकेश के पराक्रमी पुत्रों माली और सुमाली के कुकर्मों पर सूर्यदेव क्रोधित थे। सावधान माली सुमाली। तुम दोनों की दुष्टता क्षमा करना योग्य नहीं है। हमें घर में मत दिखा सूर्य, हमारे एक प्रहार से तुम आग का नहीं राग का गोला बन जाओगे। राग का अपने कुकर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। मैं इसी क्षण तुम्हारे भीतर से अपनी ऊर्जा को छीन लेता हूं। भीषण रोग से उबारिए महादेव, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हमारी महादेव। इस भूल का दंड तुम्हें भोगना ही होगा सूर्य। पिताश्री, पिताश्री, आदित्य, पिताश्री, आदित्य, पिताश्री, आदित्य, पिताश्री, आदित्य, पिताश्री, आदित्य, पिताश्री। परमपिता, अनर्थ हो गया। कौन अनर्थ?
प्रातः सूर्य ना रहे तो संसार की कल्पना ही व्यर्थ है। शांत हो जाइए इंद्रदेव। अरे किसने की इसकी ये दुर्दशा? मैं मुझसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। इस भूल का दंड तुम्हें भोगना ही होगा सूर्य। महादेव, आपने मेरे पिता प्रेम की क्रूर हत्या की है। मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं महर्षि मरीचि पुत्र कश्यप अपने तपोवन से आपको श्राप देता हूं महादेव, आपको श्राप देता हूं महादेव। त्रिशूल से आज मेरा पुत्र चेतनहीन हुआ है, उसी प्रकार एक दिन आप स्वयं अपने ही पुत्र का मस्तक अपने ही त्रिशूल से काट देंगे। काना, भोलेनाथ श्राप की मर्यादा रख रहे हैं। वे चाहते तो कश्यप का श्राप ठुकरा भी तो सकते थे। अवश्य, महादेव हर श्राप ताप से परे हैं, परंतु पुनः वे संसार के सामने अपने संयम का आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाते। राधे, जो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होते हैं उनके लिए संसार की मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। परंतु देवी पार्वती, अपने प्रिय पुत्र को मृत देख उन्होंने क्या किया काना? कुछ देर देवी पार्वती विलाप करती रही। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.